गोहाना में नेशनल हाईवे पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक किसान की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पता लगे भी हाँ ये ढाबे पर खड़े रोटी खाने लिए रुके थे। एक ट्रक वाला पीछे तो आ रहा है, जिसने पीछे खड़ा डाले टक्कर मारी, जो पास डिग पे उसने बैक करके गड्डी जो गांव पजाने लगे, फिर ट्रक के थले लेके किसी रुके उसमें लै गया पच्ची फुट लग गई। उसकी मुख्य की डेथ होगी तो एक बंदा बलवान सिंह उसने चोट लगी। पिंड लवा जी डिस्ट्रिक्ट बरनाला। कैसे क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? असं जी दिल्ली अंदोलन एक साल तो लगातार जा रहे हैं जी। ये बलजीत सिंह जी 12वीं बार जा रहे थे। असी जी होटल से रोटी खाने लिए रुके थे जी, तकरीबन 7:30 तो 9 बजे के करीब टाइम बिच बिच जी। तो साइड पर खड़ी ट्राली के पीछे खड़े थे जी, तो अचानक एक ट्रक आया, उसने जबरदस्त टक्कर में बलजीत सिंह जी शहीद हो गए। एक किसान भी घायल है? हाँ जी। एक और किसान घायल है? हाँ जी, वह घायल है जी, वो अजय दाखला जी PGI है जी, आ केड़ा शहर पे रहते हैं रोहतक। हाँ जी। क्या नाम उनका? बलवंत सिंह जी। जानकारी के मुताबिक पंजाब के बरनाला से किसान टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। गोहाना के नजदीक वो खाना खाने के लिए एक होटल पर रुके। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक किसान ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में घायल दूसरे किसान को गंभीर हालत में PGI रोहतक में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया, तुरंत मौके पर पहुंचे। वहाँ किसान भाई गोहाना से रोहतक की तरफ जा रहे थे पंजाब के बरनाला से, तो ये रास्ते में मारा चौक पर जैसे पहुँचे ढाबा मन्नत पड़ता है, मन्नत ढाबे के ट्रैक्टर साइड में लगा करके और ये उतर रहे थे, तो पीछे से और स्पीड ट्रक आ गया जिसने सीधे टक्कर ट्रॉली में मारी। एक किसान की मौत हो गई बलजीत सिंह की और एक किसान घायल हो गया। चालक फरार है सर? नहीं, चालक को तुरंत काबू कर लिया था, उसको अरेस्ट करके और अभी केस पोस्टमार्टम के बाद। ये सर एक इसमें किसान आंदोलन में जा रहे थे किसान? हाँ, ये लोग इधर जा रहे थे बहादुरगढ़ वाले बॉर्डर पर। किसानों ने बताया कि बलजीत 12वीं बार किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसके साथ यह हादसा हो गया। वहीं किसानों ने सरकार से मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।